सुहान जी, कैसे हो? क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और सावन महीना चल रहा है, और सावन महीना आए और बोलबम के ऊपर कोई गाना ना आए, ये तो हो नहीं सकता। सो आज भोजपुरी के दोनों दिग्गज कलाकार यानी कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ने सेम टाइम पे गाने ड्रॉप किए। हम देखते हैं जरा किसको कितने व्यूज आर, क्या मतलब सच है। क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, कुछ खेसारी लाल के चमचे अपनी वीडियो में कहते रहते हैं, देखिए नमस्कार दोस्तों, खेसारी लाल ने ये कर दिया, वो कर दिया। सो हम देखते हैं क्या कर दिया। सो आप देख सकते हैं इस गाने आई को 44 मिनट्स हो चुके हैं, मतलब 44 मिनट, और अभी तक इस गाने पे 4.6K व्यूज़ हैं। वैसे तो व्यूज़ काफ़ी हो गए होंगे, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम सुबह सुबह स्लो चलता है, तो इसलिए व्यू काउंट नहीं हो रहे। क्योंकि आप लाइक देख सकते हो, लाइक व्यूज़ से भी ज़्यादा है, 5.2K लाइक है, बट सिर्फ 748 कमेंट्स हैं। सो कमेंट तो साथ की साथ ही ऐड हो जाते हैं जितने भी आते हैं, मतलब अभी तक बहुत कम व्यूज़ आए हैं इस गाने पे। ओवरऑल कमेंट भी बहुत कम आया। अगर हम कंपेयर करें पवन सिंह के गाने से, पवन सिंह के गाने ने 44 मिनट में 72K मतलब 72,000 व्यू काउंट कर लिए हैं, और 22,000 बंदों ने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया है। अभी तो सिर्फ 44 मिनट मतलब एक घंटा भी नहीं हुआ और 10,000 कमेंट आ चुके हैं। अब आप खुद देख सकते हो भाई कि किस गाने की हाइप ज़्यादा चल रही है। और भाई वैसे मैंने ये कंपेरिजन करना नहीं था, लेकिन कुछ नल्ले यूट्यूबर ये सब कुछ ज़्यादा करते हैं तो मुझे भी करना पड़ा। और फिलहाल हम बिना टाइम वेस्ट किए पवन सिंह भाई का गाना सुनते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं और बातचीत करते हैं कि भाई काफ़ी टाइम बाद पवन सिंह का गाना आया है, देखते हैं कैसा लगता है हमको। ले जात बाड़ू देवघर शिल्पी राज के साथ है, काफ़ी मज़ेदार म्यूज़िक वीडियो होने वाली है, देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। वेव म्यूज़िक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ओके। पवन सिंह भाई स्टार्टिंग में काफ़ी मस्त लग रहे थे, और लड़की आई, उसने बोला कि ये कपड़े पहन लो, जो कपड़े हम जब कहीं जाते हैं पहन के जाते हैं ना, ऑरेंज कलर बोल सकते हो और वाइट पजामा बोल सकते हो। बंदा सो रहा है भाई जीप में स्टार्टिंग में। घर भगले भगले हरे ओहू बिना आँख लली आइल बा, बनाइए के छोड़ा बो पगले पगले ओके। क्या बात है भाई, ओके। तो जैसे हमने देखा कि पवन सिंह भाई स्टार्टिंग में सो रहे थे, गाना भी वैसे ही साउंड कर रहा है कि भाई रास्ते में काफ़ी भीड़ है और जीजा तू जग ले क्योंकि तुझे गाड़ी चलानी है। और भाई पवन सिंह भाई जब भी शिल्पी राज के साथ गाना लेके आते हैं ना, कुछ नया होता है, कुछ सुनने लायक होता है। ऐसे नहीं मतलब वही दो चार चीज़ों को पकड़ लिया और उनके ऊपर इतने गाने बना दिए। पवन सिंह भाई जिसको हम बोलते हैं ना क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी, पवन सिंह भाई उस चीज़ में बिलीव करते हैं। भले गाना महीने में एक आए, लेकिन एक गाना जो 100 पे भरी पड़ जाए, ऐसा गाना बनाना चाहिए आर्टिस्ट को। पवन सिंह भाई प्रूव करते हैं हर बार कि ये लेजेंडरी सिंगर है भाई बंदा। नो हेट फॉर अदर्स बट पवन सिंह इज ओजी। और भाई शिल्पी राज की आवाज़ ऐसी है, इतनी जादुई आवाज़ है इस लड़की की कि इसकी वजह से काफ़ी सिंगर्स को व्यूज़ आते हैं, काफ़ी गाने 100 मिलियन पार चले गए और काफ़ी गाने #1 पे चल रहे हैं सिर्फ शिल्पी राज की वजह से। लागता छोड़ा बुना कवनो करम, बैठे में लागे ला बहुते नरम, जे ईसा टेरिंग धारे ला बुझे ला उहे ड्राइवर के मरम। काफी अच्छा साउंड कर रहा है गाना भाई। और आप एक चीज़ देखना कि पवन सिंह भाई चाहते तो वहाँ पे जो चिले में वो पी सकते थे, लेकिन ये बंदा ये चीज़ें प्रमोट नहीं करना चाहता। ठीक है सभी लोग पीते हैं, जितने भक्त होते हैं पीते हैं, लेकिन उस बंदे ने पूछा कि भाई आप चिले में पियोगे, पवन सिंह भाई ने मना कर दिया। अगर पवन सिंह भाई पी लेते तो इसको इतनी ऑडियंस देखती है ना, कहीं प्रमोशन होती है उस चीज़ की।
कहे बरावत खीसे बाड़ू हमरा में काढ़त फीसे बाड़ू मीठ मीठ बात बतियावे में तू तो दीदियों से अपना बीसे बाड़ू रहू बड़ी बतियावे दर्शन पाके निंदिया भागे जे नहीं तन को था थावत लागे जे थक गया बंदा और गाने के अंदर जो लड़की है ना मॉडल काफ़ी सुंदर लग रही है और भाई पवन सिंह भाई ऑलवेज है ना क्या लुक है यार बंदे की इस बंदे को देख के एक चेहरे पे अलग ही नूर सा आ जाता है और आप देख सकते हो भाई क्या कमाल का गाना बनाया है मतलब आप सबको पता है कि भाई पवन सिंह भाई जब भी कोई गाना बनाते हैं ना तो उस गाने में एक वैल्यू ऐड होती है वो वैल्यू मुझे हर गाने में दिखाई देती है और पवन सिंह भाई नो डाउट की लेजेंडरी सिंगर है इस बंदे की आवाज़ में इतना दम है ना कि जैसे होता ना किसी बंदे की आवाज़ इतनी हाई लेवल पे चलती है कि बाकी सब नीचे लगते हैं सो वैसा वाला सीन है और भाई पवन सिंह हमारे बड़े भाई हैं इनके साथ काफ़ी प्यार है दिल से मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ पवन सिंह भाई की अगर आप पवन सिंह भाई के फ़ैन हो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आने वाले टाइम में पवन सिंह भाई के और नए गाने कुछ मूवीज़ भी आ रही हैं उन पर भी रिएक्शन वीडियोज़ लेके आता रहूँगा अगर आप देखना चाहते हो तो फॉर श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं।